चलिए जी, हमारी वापसी हो गई हल्द्वानी से। हल्द्वानी से रानीखेत की ओर। जय जय कैंची बाबा की। आप जाम लगता है क्या लगता है देखते हैं, आपको ले चलेंगे हम मेन रोड से। मॉर्निंग, नमस्कार, हाय, हेलो, देखते रहिए। यह आ गया बस अड्डा, यहाँ पर जाम लगना शुरू हो गया। अब ये देखिए जाम लगेगा, ये डालेगा अंदर को, इसने इंडिकेटर दे दिया है। सामने पुलिस चौकी भी है, काफ़ी भीड़ है सुबह सुबह। हाँ, ये पेड़ है, यहाँ से शॉर्ट है इधर को जाने का। मेन रोड पर आ गए, हाईवे आ गया, नैनीताल हाईवे। हाँ, मैंने कहा इधर से घुमा लाओ, कोई चीज़ पसंद आ गई तो कहीं पर, लेकिन सुबह के टाइम में सब वही है। ये पानी की टैंकी आ गई है, बैंड भी तैयार है। ये ठंडी सड़क आ गई, वाला गया। ये आ गए हम वॉकवे पे, ये गया, ये आ गए हम विशाल पे, और हमारे इधर को बगल पे है बढ़िया होटल। ये सामने ब्रजलाल हॉस्पिटल आ गया, माना जाना हल्द्वानी का। यह आ गए हम बाईपास गोला को जाने वाली रोड। बड़ा सुंदर पेड़ है इधर और छाया दे रहा है। यह आ गई है पुल, ये देखिए यहाँ पर भी जाम लगता था, अभी तो जाम है नहीं, चलो बढ़िया है। हवा पानी भर ली है, तेल हिल भर लिया है। यह आ गया है काडो धाम, पीछे वाले को काफ़ी जल्दी हो रही है टैक्सी वाले को। आयुष्मान आरोग्य एनएम सेंटर भी है यहाँ पर, चौकी भी है। यह छाया हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी हल्द्वानी में भपका मार रहा है बिल्कुल। ये हम आ गए हैं काडो धाम से ऊपर को, अब हम निकलेंगे जोली गोट से, क्योंकि भीमताल के रास्ते जाम लग सकता है, तो इसलिए हम निकल जाते हैं दोस्तों नैनीताल वाले रोड से। इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये 5-6 किलोमीटर का दूर है, लेकिन यहाँ से जाम कम लगेगा, रोड चौड़ी है, बढ़िया है। ये देखिए नैनीताल 31 किलोमीटर है, भवाली यहाँ से मात्र 32 किलोमीटर है, और बढ़िया रोड है ये, अपना चल दे रहा हूँ यहाँ से। जोली कोट 13 किलोमीटर है, नैनीताल से ज़्यादा ट्रैफिक है, चढ़ाई भी है, इसलिए हम सीधे नैनीताल वाला रूट पकड़ लिया। आपको मिलते हैं हम आगे भवाली में। है गाड़ियाँ अभी देखिए खतरनाक स्थिति है। ये देखिए कैची धाम, भयंकर हो रही है स्थिति, और जाएंगे जाएंगे कहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हम। आए दिन यहाँ जाम ही रहता है। कुछ इस तरह की लोकेशन है यहाँ की कैची धाम की, देखिए दोस्त। अभी हम फंसे हैं जाम में, और सोच रहे थे जाने की, लेकिन जा कहाँ पाए। बाबा जी के पास कभी वैसे ही आएंगे ऑफ सीजन में। ये देखिए यह है जाम, देखिए कितना खतरनाक जाम लगाया, अभी मैं बैंड पर फंसा हूँ। ये देखिए यह पूरी कंडीशन, पार्किंग फुल है दोस्तों।